हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मंटू ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जानते हैं कि यहाँ हमारे घर में खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि जो घर की रौनक थी एक बार फिर से लौट आई है। और आप लोग हमारे भी चेहरे को देख रहे हैं, आज खुश है, क्योंकि रोज आत्मा की तरह इस घर में जो है भटकते रहते थे। भाभी मानती है, लेकिन अब वो बड़ी है ना। अब सहेली में और गार्जियन में अंतर होता है, तो गार्जियन की तरह है। और शबनम आई हुई है, तो इधर शबनम से आप लोग मिल लीजिए। और देखिए, हम गोरखपुर में भाभियाँ तो बहुत मिली, सहेली पहली मिली है। और पहली बार गोधराई में मिले थे, तभी हम लोग सखी बन गए थे ना। जब पहले इस शबनम को दीदी बोले, तो कहे दीदी ना बोला, हम दीदी ना आए, इससे बढ़िया सखी रह के। तो हम लोग सहेली की तरह रहते थे दोस्तों। पर अचानक जो है इनको ससुराल जाना पड़ गया। हम घर क्या गए, ससुराल फुर हो गई। आप घर जाएंगे तो ससुराल नहीं जा सकते। हाँ, इदाज में अगर मान लीजिए हम कल चांद पे चले जाएंगे तो सूरज पे चली जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो देख लीजिए। तो यही है दोस्तों, और खुशी की बात है, कभी भी मैं शादी करूंगी तो घसीट के लेके आऊंगी। अगर नहीं आएंगी तो आएंगे, हमें पता है। तो दोस्तों क्या बताएं, अभी आज शबनम जो है लगभग दोपहर में 12-12 बजे आई है, 12-1 बजे। और बहुत अच्छा लगा, तब से एकदम सब लोग हल्ला मचाए हुए घर में, शबनम शबनम हाय, शबनम हाय, शबनम। और क्या है कि हम थोड़ा काम में व्यस्त रह रहे हैं, लेकिन खुशी जितनी है ना, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमारा खुश होने का रीज़न ही कुछ अलग है। सबका रीज़न अलग है, मगर हमारा रीज़न कुछ अलग है, क्योंकि हमारी दोस्त सहेली बहन जो भी समझ सकते हैं आप, सब है शबनम। और अभी जो है ये वीडियो भी बनाएंगी चैनल पर, और बहुत मन लगा के काम करेंगे। इनका चैनल क्रिएट हो चुका है, और आप लोग बहुत जल्दी सर्चिंग में इनका चैनल आने लगेगा। हमें लगता है कल सुबह सुबह तक इनका चैनल सर्चिंग में भी आ जाएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, भैया के पास रहती थी, टैलेंट आपके पास है ना, कुट कुट के भरा है, टैलेंट नहीं है थोड़ा बहुत, जिसे दोस्तों ब्लॉगिंग नहीं अभी कर पाती, बाकी गाने उन्हें लिपसिंग अच्छा देती हैं, तो ब्लॉगिंग भी कर लोगी धीरे धीरे। तो हाँ, धीरे धीरे ये अपने ससुराल में सबसे मिलवाएंगे आप लोग, लेकिन आप चैनल पे इनके जुड़े रहेंगे तो देखने को पाएंगे। हस्बैंड से, ससुराल में, सास ससुर से, सबसे मिलाएंगी, और मन लगा के काम करेंगी दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि शबनम अभी ससुराल वाले ठीक हैं, खुश हैं, लेकिन क्या है, हस्बैंड बाहर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आर्थिक स्थिति जब सुधर जाएगी तो साथ में रहेंगे ना। तो साथ में रहने पे होता है कि कहीं भी जाना आना हुआ तो साथ में लेकर आएंगे जाएंगे। तो नहीं तो ये रहेगा बेचारी अकेले रहेगी, क्योंकि जेठ ना है ना देवर है, कौन लेके आएगा जाएगा बेचारी को। तो उस तरह रहेंगे घर पे तो लेके आएंगे जाएंगे हर जगह। मान लीजिए दीदी के पास आना हुआ इनको, यानी रजनी भाई पास, तो कहीं भी आ जाना हुआ लेके आएंगे जाएंगे ना। देखिए क्या स्माइल है आप लोग का, बचपन का नाम है। हाँ, बचपन का भी नाम है, सब लोग बुलाते थे फूल शबनम, फूल शबनम। तो कुछ आप दो शब्द कहना चाहेंगे? कुछ भी बोल दीजिए दोस्तों, हमको भी सपोर्ट कीजिए और मेरी दीदी को भी। वाह, इतनी प्यारी बहनी मिलनी चाहिए। जो कि आप लोग, हाँ तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इनके पास आएंगे, मिलेंगे तभी ना आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों आप एक बरखी में जाएंगी ना, तो हाँ सॉरी, तेरहवीं में परसों बरखी है, तो जाएंगे ये लोग। और इसके बाद जो है फिर वहाँ से आओगी रहोगी ना, आ जाना एक दिन दो दिन। नहीं रह पाएंगे, मम्मी बोली है काम बीतने के बाद चले आना घर, क्योंकि उनको वहाँ पर भी उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अकेले बहू रानी है भाई, इसीलिए कहा जाता है अकेले परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, जहाँ एक लड़का हो अकेले। तो दोस्तों अभी भाभी बुला रही है, तो इसलिए उनको जाना पड़ा अचानक। तो दोस्तों क्या ही बताएं, शबनम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भाभी नहाए ना, भाभी नहाए है, बात तो लीडो हो जा, अक्सर प्यार वाले जब शादी कर लेते हैं यही सुनने मिलता है। बड़ा फुआ रहने वाली जल्दी हो गए करे तो नहीं नहीं लिए। तो इसे तब तो नहाए बाप बाप बाप।
उनके हाथ आप फिट है दिन से ना आया है हम नहीं प्याज खेल रहे फिर ओकर वैसे तू आके तू के इंतजार कर था मके सुते लगा तू कर सुती है दूसरा मार जाए मैं दूसरे में रह गया अरे दादा भाभी इतना अच्छा बात है कब कब भाभी पूरा विस्तार पूरा कब कब भाभी ने तो छटकर लड़का वाला बात कर देता है देखा यहां देखी है देखा है देखा घोड़े पर के चढ़ी है जिस दिन नाम जान चाय हुए बोली हां मुझे दावत रहा अच्छा कहां का है बताओ एक हफ्ता हो गया भाई एक हफ्ता हो गया नहाए ले जा ये ब्लॉग चलेगा 1,15,00,000 रुपए खर्च से अरे भैया चलो ना के पर टपे में लीटर में समझवादी हो गया हम पानी को चल हम लिंक लगे ना आइले से साइन खेला ना नहा के लेने ऊपर चार गांव बढ़ाई के दिन दरवाजा बंद रही नहीं आज हम सोप खाली आज हम पानी भरे अच्छे से याद है भाई लेने बताओ फोन के फिर बोलेबो करे रही कहीं लाला आ जा सुबह सुबह का बेला है सब अपने काम में व्यस्त है चलिए मंटू जी को देखते हैं ये क्या कर रही हैं क्या बनाता हो सब्जी रोटी बनेगा दोस्तों सब लोग चले गए आप बताइए पर इनका दिमाग को देखिए ये इतना खतरनाक इनका दिमाग है बताइए रोटी बेल रही है तवा है ही नहीं बेल कहाँ रहे हैं अभी बस लोई बना रहे हैं अच्छे से लोग पड़े इंडिया में मैं क्या भाई बोलूं बोल दीजिए जो भी बोलना हो आप बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा तो बताइए ये पहले तवा गर्म किया जाता है फिर लोही काटा जाता है बात ये है ना ये कभी की नहीं है काम मज हमेशा ऐसो आराम में जिंदगी जी है और ऑटोमेटिक कपाट पे पड़ रहा है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है मेमोरी इनका हैंग कर जा रहा है थोड़ा बात सही है ना इनका मेमोरी जो है थोड़ा सा हैंग कर दे रहा है क्या करे इनकी गलती नहीं है दोस्तों दिमाग की गलती है हाँ बचपन में खटाए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ा होता वो तो सोचते थे हमारी बिटिया रानी काम न करे तो देखिए भोगिए भाई हाँ? दोस्तों क्या करे सब लोग चले गए बस हम ही तीन लोग बचे हुए हैं कोई पूछी ना पूछा ही नहीं हम लोगों को जाने के लिए बताइए हाँ। नहीं तो माँ भाभी पूछी है अभी समझिए अभी कॉल आया था बोल रहे हैं जल्दी आइए आप लोग क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ रहेंगे तो हेल्प भी हो जाएगा मान लो कोई ज्यादा शादी विवाह तो है नहीं मिलजुल के काम करना है तो इसलिए हम लोग फटाफट जो है कि निकल रहे हैं हम तो सबसे पहले नहा धुल लिए हैं देखिए करीवा नहा लिया है अब लड़का अभी बाकी है लोग करीवा नहा रेडी हो गया है तो देखिए सब कोई फटाफट नहा रहा है नहा दो सबको रेडी होगा देखिए रोटी मंडू जी बना रही हम तो खाएंगे भाई ये
खा के उसके बाद पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। कहे जल्दी करे अपने तो नहा धो ली दोस्तों, हमें काम था तो काम खत्म करेंगे तभी ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई इनको होटल पे जाकर खाना खा रहा है, घर पे तैयार हो। तेरे बाप ने होटल खोल रखी है के वही वाली बात है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज ज्यादा चैनल वा को नीचे वाला लिखे ये हत लोग को तंगड़ी हो लोग को ना देखा ये है चट्टा पर टीपा सब्सक्राइब हो जाए हेकर नीचे वा देखा तने ऐसे लिखवा ऐसे लिखवा ना कमेंट हो जाए। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, लव यू ऑलवेज।